नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी कुछ टैबलेट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए इन ब्रांड्स की तरफ से। इससे आपका उल्टा नुकसान होगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपको इन फ्यूचर इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले टैबलेट की ब्रांड जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, एशर की है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस टैबलेट ब्रांड के लैपटॉप वगैरह देखे होंगे। सो देखो, हर ब्रांड जरूरी नहीं कि हर एक कह सकते हैं हर एक डिवाइस बनाने में उतना ही अच्छा परफॉर्म करे। सेम चीज़ है इसकी टैबलेट के साथ। दोस्तों जो ये एशर वगैरह की टैबलेट है, इनका क्या है कि दोस्तों अगर आप इनको परचेज़ कर लेते हैं और इन फ्यूचर अगर ये टैबलेट ख़राब होती है तो आपको इनके पार्ट्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इनके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे और इनके सर्विस सेंटर तो पूछो ही मत, वो तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो ये जो एशर वगैरह है, ये सब टैबलेट्स अगर आपके पास है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर ख़रीदने की सोच रहे हो न्यू टैबलेट, तो डेफिनेटली आपको इससे बचना चाहिए। मैंने भी पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बताया हुआ है इन टैबलेट के बारे में, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार बताया जाए। ऐसे ही कुछ और ब्रांड से, लाइक दोस्तों यहाँ पर ये डोमोपोमो हो गया। ये टैबलेट्स ना एक्चुअली चाइना से डायरेक्टली क्या करते हैं, इनको जस्ट अपना नाम का यहाँ पर ब्रांड लगवाया और चाइना से डायरेक्टली इम्पोर्ट करा लिया। इनमें बहुत ज़्यादा कोई ना है तो R&D होती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ यहाँ पर होता है, और ना ही कुछ इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पे ध्यान दिया जाता है। ये डायरेक्टली अमेज़ोन के माध्यम से बस बिक रही हैं, ना ही इनके आपको सर्विस सेंटर मिलेंगे, और इन फ्यूचर अगर ये ख़राब हुई तो समझ लो ये डब्बा हो जाएंगी। इनका आपको कोई भी पार्ट, इवन प्रोसेसर, डिस्प्ले या कुछ भी हो, वो मिलेगा नहीं। तो ऐसी टैबलेट ब्रांड बिल्कुल मत खरीदो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आपको अमेज़ोन के ऊपर ना अजीब सी टैबलेट ब्रांड्स दिख जाएंगे, लाइक ये रहा Bar 2 एनेबल, पता नहीं मतलब अजीब अजीब सी ब्रांड्स हैं ये सब, मतलब चाइनीज़ जंक है जो कि इंडिया के अंदर ला के डंप कर दिया जाता है और अमेज़ोन के ऊपर ये बेचा जाता है। तो जो लोग थोड़े से मासूम लोग हैं जिनको नहीं पता, वो इनकी रेटिंग्स वगैरह देख कर समटाइम्स इंप्रेस हो जाते हैं। रेटिंग्स कहाँ से आती हैं, रेटिंग्स क्या है कि कई बार ना खरीद ली जाती हैं अमेज़ोन वगैरह पर। सो इन सब से बच के रहिएगा। ये ऐसी जितनी भी फालतू ब्रांड्स आपको दिखाई दे ना, जो मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है सैमसंग की तरह या फिर लिनोवो की तरह, सो जिनका आपने नाम नहीं सुन रखा हो, तो प्लीज़ ऐसी किसी भी ब्रांड की टैबलेट मत खरीदना। इवन मैंने तो एक दिन वीडियो ये भी बनाई थी कि वन प्लस की भी कुछ ऐसी टैबलेट हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सो ये आप पहले देख लो कोई अच्छी ब्रांड्स वगैरह, तब आप टैबलेट खरीदो। बस आँख बंद कर टैबलेट मत खरीदा करो। ऐसे ही लोग कई बार अच्छी ब्रांड्स की भी मतलब घटिया टैबलेट खरीद लेते हैं, लाइक ये यहाँ पर सैमसंग की क्या है कि जैसे कुछ पुरानी टैबलेट्स हैं A7 वगैरह, अब काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ठीक है ना, टैबलेट है सैमसंग की होगी तो अच्छी होगी, लेकिन जैसे सैमसंग की कुछ ये A7 लाइट हुआ या फिर इससे कई पुरानी टैबलेट आती हैं, ये रहा, हाँ ये रही टैबलेट A.0, 10.1, ये सब टैबलेट्स ना एक्चुअली पुरानी हो गई है। तो थोड़ी सी पुरानी टैबलेट्स ब्रांड्स की वो भी देख के बचा करो। इनको सर्च कर लिया करो गूगल पे, लाइक कि पर्टिकुलर ब्रांड का नाम डाल के टैबलेट का किस मॉडल जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ है। तो थोड़ी सी पुरानी टैबलेट से भी बचा करो, और किसी भी तरह की टेढ़ी मेढ़ी ब्रांड की टैबलेट मत लिया करो, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट ही होने। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग खरीद लेते हैं ये सब टैबलेट, तो इसलिए मैंने ये वीडियो छोटी सी बनाई है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।